देखो अपन कर रहे थे सिरा धमनी स्रोतस, ठीक है। तो सिरा अपन ने कंप्लीट कर लिया था, फिर धमनी अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट की क्लास में। फिर अपन ने ये स्रोतस का इंट्रोडक्शन भी कर लिया था भाई, स्रोतस की परिभाषा, ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, इसका स्वरूप, स्रोतस संख्या, आचार्य चरक के अनुसार, मैं नाम कर याद करने के तरीके बताए थे, प्राण, उदक, अन्न, सात धातुएं, ठीक है, मूत्र, पुरुष और स्वेद। फिर एक और बताया था आर्तव्य स्रोतस, जो गर्भ प्रकरण में, गायनेकोलॉजी में आता है। फिर सुश्रुत के अनुसार 22 बताए थे, मत भिन्नता के कारण भी बताए थे। अब करेंगे, मैंने बताया था कि कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्राण व स्रोतस, मतलब एक एक स्रोत का डिटेल में वर्णन। प्राण व स्रोतस क्या है? प्राण व स्रोतस कि देखो, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार, दोनों ने माना प्राण व स्रोतस, प्राण व उदक व अन्न व दोनों ने माना है, रस, रक्त, मांस, मेद, ये भी दोनों ने माने हैं। तो वहाँ तक तो अपन कॉमन चलेंगे, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत। और दोनों के श्लोक याद करने हैं, दोनों के अनुसार याद करने के, दोनों ने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है इस एनाटोमी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन लाइफ टाइम के लिए और जीवन, मतलब आयुर्वेदा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राण व स्रोतस क्या समझते हो प्राण व स्रोतस से? देखो मॉडर्न कोरिलेशन बताता हूँ मैं इसका, कि कैरीज द ब्रीथ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कैरीज द ब्रीथ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द, कैरी यानी वहन करती हैं, ब्रीथ यानी श्वसन, जो अपन श्वसन अंदर लेते हैं, जो प्राण वायु, ठीक है, अब जो श्वास अंदर लेते हैं ना, उसको ये प्राण व स्रोतस क्या करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में फैलाता है, मतलब ये जो प्राण व स्रोतस है एक तरीके से, जो अपनी श्वसन को क्या क्रिया ना, एक तरीके से पूरी बॉडी में उसको संचरित करता है, तो इस चैनल के माध्यम से पूरी बॉडी में वो फैलता है। ये तो मतलब एक मॉडल कोरिलेशन है जो आपको समझाने के लिए बताया। अब है आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं, तत्र प्राणवे दे तयोर मूलम हृदय रसवाहिनी धमन्य, रसवाहिनीश्च धमन्य, तत्र विरुद्ध से क्रोशनम वीमनम मोहनम भ्रमण विपनानी मरणम वा भवन्ति, सुश्रुत सारी का 9वां चैप्टर 12वां श्लोक। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोलता है कि तत्र प्राणवय द्वे तयोर मूलम, कि अर्थात प्राणवय स्रोतस का मूल क्या है, मूलम हृदय और रसवाहिनी धमनी से, तो मूल तो क्या है, हृदय और रसवाही धमनियाँ। अब देखो सिंपल सी बात है, तो इसका मूल हर्ट क्यों है, अपन श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है, अंदर गया लंग्स में, वो आता है ना हर्ट, हर्ट से खून ब्लड आता है और लेके आती है, तो उसमें क्या ओ टू और सी ओ टू का आदान प्रदान होता है, फिर पूरे रक्त के माध्यम से, पूरे रक्त है वही तो ओ टू का संवहन करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, तो ये क्या मूल हृदय और रसवाही धमनियाँ। अब मूल हर्ट देखो, हृदय यानी हर्ट और रसवाही धमनियाँ यानी वेसल्स, इसमें आरोटा भी आता है, वेना के भी आता है, जितने भी वेसल्स हैं वो सारी आती हैं, मतलब रसवाही धमनी में। तो ये बोलता है कि तत्र प्राण वे तयोर मूलम हृदय रसवाही धमनी से, कि प्राण व स्रोतस वह है जिसके मूल हैं हर्ट और रसवाही धमनी। कहने का मीनिंग ये है, देखो हर्ट पंप करता है, पंप करने के बाद पूरी बॉडी में रक्त जाता है, पूरी रक्त बात इसका, अब देखो मैंने ये बताया कैरीज द ब्रीथ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब कैसे जाएगी श्वसन, कैसे जाएगा, रक्त की सहायता से तो जाएगा, तो हर्ट है, तो हर्ट क्या करता है, इसका मूल है, और वो रक्त की सहायता से, एक तरीके से इन हार्ट और रसवाही धमनियों की सहायता से जो श्वास है, मतलब जो व्रीत है, उसको पूरी बॉडी में संचरित करता है, चाहे आपके पैर के अंगूठे से लेके सिर के चोटी तक, पूरी बॉडी में क्या क्या ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो प्राण व स्रोतस है ना, ये काम करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है, वायु पहुँचाने का, प्राण पहुँचाने का काम कौन करता है, प्राण व स्रोतस। और इसके मूल क्या है, इसमें मतलब हेल्पिंग, जो और जो हेल्प करते हैं वो कौन है, मुख्यतः मेजर ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है और रसवाही है धमनियाँ। इसमें रसवाही धमनी में क्या क्या आता है, वेसल्स आती हैं, अरोटा भी आती है, वेना केवा भी आती हैं, जितनी भी हैं वो सब आती हैं। अब देखो यहाँ पे तत्र विरुद्ध से क्रोशनम भीमनम मोहनम भ्रमम वेपानानी मरणम वा भवंती। तो ये बोलता है कि तत्र विरुद्ध से क्रोशनम, कि यहाँ पर आघात होने पर, मतलब अगर प्राण व स्रोतस, मतलब हार्ट पे और रसवा धमनियों पे आघात, कोई चोट लग गई तो क्या होगा, आघात होने से आक्रोश, क्रोशनम मतलब आक्रोश, बीमनम यानी शरीर का झुकना, ठीक है, मोहनम यानी मूर्छा, भ्रम यानी चक्कर आना, और बेपना यानी कंप अथवा मरणम यानी मृत्यु के समान लक्षण मिलते हैं। अगर मान लो इनमें कोई थोड़ी सी परेशानी है हार्ट और रसवा धमनी में, यानी कि प्राण व स्रोतस में कोई व्याधि हो गई, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आक्रोश, गुस्सा आएगा, शरीर झुक जाएगा, विमनम हो जाएगा, ठीक है, मूर्छा, बेहोशी आ जाएगी, जैसे अब ऑक्सीजन नहीं मिली आपको,
जैसे आप किसी भी जैसे ब्रेन में आपको ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो आप हाइपोक्सिया का शिकार हो जाते हैं ना, एकदम मूर्छा आ जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है, और जब ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मृत्यु भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण व स्रोतस के मूल लिखिए, और इसके अगर मतलब आघात हो जाए, चोट लग जाए तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये इसके आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। अब चरक के अनुसार देखो, आचार्य चरक क्या बोलते हैं, तत्र प्राणावानम स्रोतसम हृदय मूलम महास्रोतश्च। तो ये पहली लाइन है कि तत्र प्राणावानम स्रोत की वह प्राण व स्रोतस है हृदय मूलम महास्रोतस, कि जिसका तो हर्ट तो मूल हो और महास्रोतस। अब इसने महास्रोतस बताया कि जो बड़े बड़े ऑर्गन हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि हार्ट है, तो यहाँ पे तो पहले लिख दिया हार्ट तो आ ही गया, ठीक है, तो लंग्स हो गया, ठीक है, स्टोमक हो गया, ठीक है, पकवाश्य हो गया, छोटी आँत हो गई, जितने भी बड़े बड़े, और लीवर हो गया, जितने भी बड़े बड़े अंग हैं जहाँ प्राण बसते हैं कि उन पे चोट लगने पर प्राण जा सकते हैं, तो महास्रोतस। तो तत्र प्राणाभाम स्रोतस हम हृदय मूलम महास्रोतस, कहने का मीनिंग है कि नाम से पता चल रहा है प्राण, कि इन चीज़ों में अपने प्राण बसे हुए हैं। जैसे कि सुश्रुत के अनुसार तो ये हो गया भाई, जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँची वहाँ मृत्यु। तो ये बोलता है कि सुरक तत्र प्राणवान स्रोतम, कि प्राण व स्रोतस वह है जिसका हृदय मूल है और महास्रोतस मूल है। तो महास्रोतस यानी अपने लंग्स भी महास्रोतस में आते हैं, आमाशय भी महास्रोतस में आता है, पकवाशय भी महास्रोतस में आता है, और कोलोन भी अपने महास्रोतस में आता है, लीवर भी अपने महास्रोतस में आता है, जितने भी बड़े ऑर्गन है बॉडी के, ठीक है, उन पे आगा मतलब ये इनके मूल हैं। अब देखो क्षयात संधारण, क्षयात संधारण संधारण रोक्षेद व्यायामत क्षुद अतिशच्य प्राणाविहीनम दुष्यंती स्रोतांश नच दारुणे। अब इसका मीनिंग समझो कि चरक विमान का यह कि अर्थात प्राण व स्रोतस का मूल हृदय व महास्रोतस है, कि धातुओं के क्षयात धातुओं के क्षय से संधारण मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से, रुक्ष वस्तुओं के सेवन से, आप देखो संधारण रोक्षम, फिर है भूख लगने पर, यहाँ पे लिखा है कि क्षयात संधारणम द रोक्ष द व्यायाम व्यायामत है क्षुद, व्यायाम क्षुद यानी भूख, अतिशय मतलब भूख लगने पर, व्यायाम करने पर और अत्यधिक परिश्रम करने से प्राणवायु दुष्यंती, कि प्राणवायु दूषित क्या हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से अगर आप ज़्यादा भूख लग रही है तब भी आप व्यायाम कर रहे हो, ठीक है, मलमूत्रों का वेग रोक रहे हो, धातुओं का क्षय हो रहा है तब भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो बॉडी पे, ठीक है, रुक्ष ज़्यादा वस्तुओं का सेवन कर रहे हो, तो ये प्राण व स्रोतस की हार्ट और महास्रोतस जितने भी मतलब अपने बॉडी के मेजर ऑर्गन हैं उन पे इफेक्ट मिलेगा और मतलब एक तरीके से ये दूषित हो जाते हैं। अब तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ तक देखो, इसके ऊपर ऊपर देखना ना ध्यान से। पहला क्वेश्चन आएगा कि प्राण व स्रोतस के आचार्य चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार मूल लिखो। तो आचार्य चरक ने क्या बोला कि हृदय और महास्रोतस, तो हृदय तो हो गया हार्ट और महास्रोतस क्या हो गया, जितने बड़े ऑर्गन हैं लंग्स हैं, आमाशय पकवाशय छोटी आंत बड़ी जितने भी हैं ना सब आ गए, ठीक है। तो इसके और इसने चरक आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, मूल हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ, तो हार्ट में हृदय में तो हार्ट आ गया, रसवाहिनी धमनी वेसल्स एंड अरोटा। अब समझो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि प्राण व स्रोतस कि जिसमें प्राण बसे हुए हैं, हार्ट में अपने प्राण बसे हैं कि नहीं बसे, हार्ट पे आघात होने पर अपनी मृत्यु होनी है, होती है निश्चित, सिंपल सी बात है। तो प्राण तो यहाँ पे द कैरीज द ब्रीथ ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि मतलब एक तरीके से जो श्वसन मतलब एक तरीके से जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी तक जो संचरण करता है, जो चैनल है, जो मार्ग है, वो क्या है, प्राण व स्रोतस। अब यहाँ पे देखो हार्ट है, हृदय है, तो हृदय मतलब एक तरीके से ये भी एक तरीके से वही बता रहा है कि हार्ट पूरी बॉडी में संचरण करता है, क्योंकि हार्ट मेन चीज़ है, तो वो भी एक तरीके से वहन करता है। अब ऑक्सीजन कैसे जाती है, हार्ट की सहायता जाती है, बिना हार्ट की सहायता से हार्ट नहीं होगा तो ऑक्सीजन वहन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये बोलता है कि हार्ट इसका मूल है और महास्रोतस, महास्रोतस मतलब एक तरीके से इनमें प्राण बसे हुए हैं अपने, इन चीज़ों पे अगर इन पे आघात होगी तो मृत्यु हो सकती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मूल लिखो भाई और दूषित मतलब एक तरीके से आघात होने पर क्या क्या लक्षण मिलेंगे, अगर प्राण व स्रोतस नष्ट हो जाएँ या विरुद्ध हो जाएँ, अवरुद्ध हो जाएं, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, शरीर का झुकना, आक्रोश आएगा, मूर्छा आएगी मतलब बेहोशी आएगी, चक्कर आएंगे, शरीर कप कप आएगा और मृत्यु हो सकती है, ये इसके लक्षण हैं। क्यों दूषित होगा, दूषित चरक ने बता दिए कि भाई मलमूत्रों का वेग रोकने से, ठीक है, अत्यधिक परिश्रम करने से, भूख लगने पर व्यायाम करने से, रुक्ष वस्तुओं का सेवन करने से, ये ऑथेंटिक हैं आचार्य चरक और सुश्रुत ने बताएं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो आपको ये याद रखने हैं। समझ में आ रहा है ना प्राण व स्रोतस का मीनिंग क्या है, कि कैरी ये मतलब जो ये ना इंग्लिश मॉडर्न, इसको समझोगे ना आप तो ऑटोमेटिक समझ आएगा भाई कैरी इज द ब्रीथ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द
बॉडी, ठीक है, कि श्वसन मतलब ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना ये प्राणवायु स्रोतस का मुख्य काम है। इसमें हेल्प कौन करता है? हार्ट, मुक्त हार्ट, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं? यस या नो? अब देखो अन्नवायु स्रोतस, अब अन्नवायु स्रोतस क्या बोलता है? ट्रांसपोर्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड फूड, जितना भी अपन भोजन सेवन करते हैं, खाना खाते हैं, उसका जो वहन करता है, जो चैनल्स होते हैं, जो सूक्ष्म मार्ग होते हैं, अपन को पता है स्रोतस की परिभाषा में क्या है कि वो सूक्ष्म टैनल होते हैं, एक तरीके से जो सिरा और धमनी से तीव्र गति से मतलब उनसे फास्ट ये वहन करते हैं धातुओं का एक तरीके से। तो ये बोलता है कि अन्नवायु स्रोतस का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट द सॉलिड एंड लिक्विड फूड, जितना भी ठोस और द्रव्य रूप में भोजन करते हैं उसका वहन करता है। अब देखो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं और आचार्य चरक क्या बोलते हैं, दोनों के अनुसार पढ़ना है, मैंने बताया दोनों ने माना है, और दोनों के श्लोक भी आपको याद करने हैं, दोनों के मूल भी आपको याद करने हैं। अन्न वह दे तयोर मूलम अमाशयो अन्न वाणिश्य धमन्य तत्र विरुद्ध तत्र विरु विदस्तनम सूलम अन्न पोचदी पिपासम अन्नदम वर्णम च। अब देखो समझो इसको सुश्रुत के अनुसार क्या बोल रहा है ये, कि अर्थात अन्न व स्रोतस दो होते हैं, इनका मूल। अब देखो आचार्य ने तो बताया, आपको पता ही है आचार्य सुश्रुत ने दो दो माने हर चीज़ के, जैसे अपन ने बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि भाई सुश्रुत के अनुसार इन्होंने 11 माने लेकिन इनकी संख्या दो दो मानी है, कि प्राण वह दो होते हैं, उदक वह दो होते हैं, अन्न वह दो होते हैं। तो अर्थात अन्न व स्रोतस दो होते हैं जिनके मूल क्या बताएं, मूल अमाशय अन्नवाय से धमनिया, तो अमाशय और अन्न वह धमनिया। अब अमाशय क्या होता है? स्टोमक, ताकि आपको इंग्लिश बता रहा हूँ साथ में आपको समझ में आ जाए, और अन्न भाई धमनिया मतलब ईगोफेगस इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स, ये सब क्या है मतलब अलग अलग जगह। देखो ब्लड वेसल्स कई जगह यूज होंगी, आप सोचोगे सर ब्लड वेसल तो आपने यहाँ पे ये भी बताई, रसवाई धमनियाँ भी बताई, ठीक है रसवाई धमनियाँ बताई, रक्त वह धमनियाँ भी बताई, और यहाँ पे आप ये बता रहे हो आप कि अन्न वह धमनियाँ, तो ब्लड वेसल्स पोषण का भी तो लेती हैं, न्यूट्रेंट भी तो बहन करती हैं, करती हैं कि नहीं करती, न्यूट्रेंट वही मतलब एक तरीके से पोषक तत्वों का भी तो बहन करती हैं, तो वही उसी तरीके से ये कि अन्न वह स्रोतस दो होते हैं, उनका मूल अमाशय व अन्न वह धमनियाँ, कि इनके आघात होने से, तो यहाँ पे इनके मतलब आघात होने से क्या होगा, विरुद्ध से मतलब विरुद्ध विरुद्ध यानी एक तरीके से अवरुद्ध होने पर, इनके मार्ग मतलब एक तरीके से दूषित होने पर क्या होगा, आदमान सूल, आदमान यानी पेट फूलना, उदर सूल यानी पेट में दर्द होगा, ठीक है अरुचि भोजन खाने में इच्छा नहीं होगी, अरुचि हो जाएगी, छर्दी यानी बार बार बमन होगा मतलब अनकंट्रोल, छर्दी यानी होता है अनकंट्रोल बमन होना, बार बार उल्टी हो रही है आपको, ठीक है प्यास लगेगी, दृष्टिनाश आपको मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु को प्राप्त कब होगा, जब पूर्ण रूप से मतलब शुरुआत में उत्पन्न हुआ दूषित हुआ तो रोग उत्पन्न हो गया, रोग का भी इलाज नहीं किया तो मृत्यु होगी, सिंपल सी बात है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने ये बता दिया कि भाई अन्न वे स्रोतस के मूल बता दिए, अगर ये दूषित हो जाते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, कि भाई अगर आपको माने इनके दूषित हो गए, कुपित हो गए, किसी तरीके से अवरुद्ध हो गए, आपने सही ढंग से सम्यक रूप से आहार विहार का भोजन नहीं किया, जैसे ट्रांसपोर्ट सॉलिड या लिक्विड इसका मेन काम है, आपने अच्छी तरीके से जैसा आपने बताया ना, आप अध्यसन कर रहे हो, भोजन पचा नहीं उससे पहले भोजन कर रहे हो, ठीक है आप ठीक है विरुद्ध आहार का भोजन कर रहे हो, मतलब अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ों को मिला के खा रहे हो, आप जो ए टाइम मतलब आपका मतलब भोजन करने का समय नहीं है, आपने दो घंटे पहले खाया और दोबारा खाने लग गए, तो आप ऐसा करोगे क्या बोलेगा, ये हो गया मतलब एक तरीके से ये लक्षण देखने को मिलेंगे, तो अवरोध हो जाएंगे, तो पेट फूल जाएगा, सूल होने लग जाएगा, अरुचि हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, प्यास हो जाएगी, ठीक है दृष्टि नाश हो जाएगा, और अंत में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे बोला कि मरणम चे, मरणम यानी अंत में मर जाएगा व्यक्ति, तो समझ में आ रहा ना, कहने का मीनिंग ये है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड है वो अन्न वे स्रोतस करता है, अगर आपने सम्यक रूप से चलता रहा तो सब कुछ ठीक है, ये आपको मतलब एक तरीके से पोषण मिलता रहेगा, अगर आपने मान लो सही तरीके से भोजन नहीं किया मतलब सॉलिड एक लिक्विड फूड सही तरीके से नहीं खाया, अधिशन मात्रा में किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया, या फिर खा ही नहीं रहे मतलब एक तरीके से विरुद्ध कर दिए, तो ये लक्षण मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन आएगा कि अन्न वाय स्रोतस के मूल लिखिए और उसके विरुद्ध होने पर क्या क्या लक्षण मिलते हैं आचार्य चरक के अनुसार या आचार्य सुश्रुत के अनुसार लिखिए। अब आचार्य चरक क्या बोलते हैं, अन्न वाहनम स्रोतसम आमाशयम मूलम वाम च पार्श्व, कि भाई अन्न वाय स्रोतस के मूल क्या है, एक तो आमाशय मूल ठीक है और एक वाम पार्श्व, तो वाम पार्श्व क्या है, लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। अब देखो आपको पता है लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी जो अपना स्टोमक है कहाँ पे पाया जाता है, लेफ्ट साइड ही तो पाया जाता है, तो ये स्टोमक को बताया कि बाम पार्श्व मतलब लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एक तरीके से स्टोमक वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे आके अपना खाना इकट्ठा होता है, और अपना ये क्या था ट्रांसपोर्ट सॉलिड ऑफ लिक्विड फूड,
तो इन्होंने वाम पार्ट्स बोला, मतलब लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो इस हिस्से में आगे जाके भोजन एक तरीके से ये यहाँ से चैनल स्टार्ट होता है, इन्होंने ऐसा बोला। तो ये का मूल क्या है, अमाशय और वाम पार्ट्स। और क्योंकि वाम पार्ट्स इसलिए बोला क्योंकि अपने अमाशय ने जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में, तो बॉडी के बाईं जो बाईं हिस्सा है उसमें ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए इसको अन्य स्रोतस ट्रांसपोर्ट सोलिड एंड लिक्विड। तो क्वेश्चन समझो इसका कैसे आएंगे, अन्य स्रोतस के चरक के अनुसार मूल और सुश्रुत के अनुसार। तो चरक ने क्या बताया, अमाशय और वाम पार्ट्स, और सुश्रुत ने क्या बताया, अमाशय और अन्वय धमनियाँ। देखो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है जितना कि मतभेदता आ जाए, बात एक ही बोलना चाहते हैं कि भाई। और इसका मीनिंग क्या निकलता है, शाब्दिक मीनिंग क्या निकलता है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड, जितना भी अपन जो खाना खाते हैं उसका सॉलिड पार्ट हो चाहे लिक्विड पार्ट हो, सब अन्वय स्रोतस के माध्यम से पूरी बॉडी में संचरित होता है। क्लियर। अब है उदक व स्रोतस। ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन है सर, एक सर सॉरी सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा डाउट ये है, आपने पढ़ाया अभी ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड, तो सर आपने कल हमको सिखाया था कि ये जो स्रोतस होता है ये रिजल्ट को लेके जाता है, जैसे वायु को हम अंदर लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जब हम खाना खाते हैं वो जब आहार रस में कन्वर्ट होता है उसको वो लेके जाएगा, तो सर ये तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, गलत है क्या, मैंने गलत समझा क्या? गलत नहीं बोला आपने, सही बोला। मैंने एक बात और बोली थी, कभी भी जो अपन मॉडर्न कोटेशन बताया ना उसको हमेशा सच मत मानो, ये अपन समझ समझ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि जो भी अपन चाहे वो पानी पियो चाहे कुछ भी खाओ, चाहे ठोस खाओ चाहे कुछ भी खाओ, ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, बहना तो एक लिक्विड फॉर्म में बहेगी, जब चीज़ कब बहना क्या श्रवण कब होगा, जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी तभी तो उसका बहना होगा, मतलब एक तरीके से बहेगी वो चलेगी आगे। लेकिन मैंने ये बोला कि ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड, कि अपन जितना भी भोजन खाते हैं ना, सूखा रूखा सूखा जो भी अपन भोजन खाते हैं, गीला चाहे जूस पी लो चाहे खाना खा लो, ये सब का बहन ये करता है अन्वय स्रोतस। अंत में परिणित, मतलब अंत में तो पाचन होकर रसी बनेगा सबका, लेकिन बहुत से व्यक्ति बोलते हैं मैं आप बोल दूँ यहाँ पर लिक्विड, तो बोला कि सर हम तो रूखा भोजन खाते हैं सूखा भोजन खाते हैं। तो ये एक तरीके से आपको समझाने की, ये एक तरीके से ये है कि सहार भाग बताया मैंने आपको कि यहाँ ये ऐसा समझ लो इस चीज़ को, ये काम करता है मोस्टली मोटे मोटे तौर पे, ये काम करता है मोटे मोटे तौर पे, ये काम करता है, ठीक है, ये समझने के लिए। okay, कभी भी मॉडर्न को आयुर्वेदा को समझने के लिए यूज नहीं करते, ऑथेंटिक के रूप में कभी यूज नहीं लेते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। जैसे कि तो दिमाग में ये रखना है ना, हर समय हमको ये रखना है ना कि स्रोतस में फाइनल रिजल्ट रिजल्ट ही जाता है कि नहीं सर, परिणित धातुओं के जो अंतिम रिजल्ट होता है ना, मतलब एक लिक्विड फॉर्म भी निकलेगा, कोई भी चीज हो वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब देखो आचार्य, अब हो गया बाम पास। अब देखो उदक वह ट्रांसपोर्ट वाटर, जो वाटर का वहन करता है एक तरीके से, जो अपन पानी का सेवन करते हैं ना उसका उदक वह। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, उदक वह द्वे, मतलब वो मैंने बताया ना आचार्य सुश्रुत हमेशा दो मानते हैं कि उदक वह द्वे, तो ये और मूलम तालु और क्लोम। तालु क्या होता है, प्लेट, अपने जो ऊपर का हिस्सा होता है ना तालु, ठीक है, और क्लोम क्या बोलते हैं। अब देखो बहुत से क्या बोलते हैं, जो बुक लिखते हैं कोई फेरिंग्स लगता है, जो इंग्लिश की बुक होती है ना बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और वाटर रेगुलरिटी सेंटर जो अपने माइंड में रहता है ना, ये क्लोम को इतने नामों से जानते हैं। जैसे कि मेरे समझ में आया तो मैंने इसको पेनक्रियाज लिख दिया, ठीक है, कोई दूसरा राइटर आया उसने इसको लंग्स लिख दिया, कोई ने गॉल ब्लैडर लिख दिया इसको, लेकिन कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश वर्ड पर कभी बहस करनी नहीं है, कभी आपको लगा ना कि यार इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है, तो कभी बहस नहीं करनी उसी से, उस आचार्य की मर्जी है, उसने कुछ भी लिख सकता है, वो उसने कैसे रिलेशन किया वो ही जानता है बुक लिखने वाला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोम, तो बहुत सी बुकों में ये पेनक्रियाज मिलेगा, फेरिंग्स मिलेगा, पेनक्रियाज मिलेगा, लंग्स मिलेगा, गॉल ब्लैडर, इसको मतलब बहुत से नामों से जाना जाता है, और ये ऑथेंटिक नहीं है, बस आचार्य ने बताया कि भाई क्लोम होता है। अब क्लोम जैसे जैसे कोई समझ रहा है, जैसे कोई ने बोला कि ये पेनक्रियाज होता है, इसने बोला कि वाटर रेगुलेटरी सेंटर, अब इसने अपना अलग ही माइंड लगाया कि भाई वाटर रेगुलेटरी सिस्टम सेंटर है ना अपने माइंड में, उसको क्लोम बोला आचार्य, किसने, सुश्रुत ने, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो इंग्लिश वर्ड पे कभी आपको वैसे नहीं करनी, कभी लड़ना नहीं है किसी से कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी सोच है उसने लिख दिया, आप आगे बढ़ो, क्योंकि इंग्लिश पे कभी वैसे नहीं करना। आप ऐसे कोई रिसर्च लेके आओ कि भाई क्लोम यानी यही होता है, रिसर्च लेके आओ उसको सिद्ध करो, तो ये सारे गलत हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो उदक वैसे होता है आचार्य सुश्रुत मत अनुसार, उदक वह दे त्रयो मूल, हाँ बोलो, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है? ये जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे रस बोला मैंने, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो रस यानी क्या होता है, सिंगार रस, वीर रस,
रस धातु, मतलब सेकंड ईयर में पढ़ोगे रस क्या होता है, पारद। फर्स्ट ईयर में रस पढ़ोगे क्या, जो अपन टेस्ट लेते हैं, स्वाद। ठीक है, समझ रहे हो? तो आवश्यकता के अनुसार, जहाँ पे जो चीज़ सुटेबल हो रही है उसके अनुसार, उसके अनुसार मीनिंग यूज़ करो। ये एक फैक्ट तरीका बताया मैंने आपको। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोलूँ, ये रस का एग्जांपल सही, क्योंकि काफ़ी एग्जांपल मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर मैंने रस बोला तो आप समझ जाओगे भाई रस छह होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त सा है। सेकंड ईयर में अगर मैं रस बोलूँ ना तो समझ जाओ पारद धातु। ठीक है, हिंदी की बात कर रहे हैं तो सिंगार रस, सोलह सिंगार रस होते हैं ना, सिंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इस तरीके से। तो जिसके अनुसार, जहाँ पे जो चीज़ अपन को ठीक कर रहे हैं, जैसे कोई बीमारी है तो आपको लग रहा है इससे रिलेटेड है, तो इनमें से कोई भी चीज़ मिलती जुलती है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि उदक व स्रोतस, अब मान लो कि इसमें मान लो वो भर गया पानी, वो होता था ना पानी भर गया लंग्स में, तो आपको लंग्स से समझना है। ठीक है, कोई फेरिंग गले में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है गला सूख रहा है, तो लंग्स ये इससे लेना है, फेरिंग से लेना है, तो इस हिसाब से आपको आवश्यकता। तभी तो बोलते हैं ना अलग अलग आचार्यों ने जैसे जैसे उन्होंने मीनिंग निकाला, जैसे जैसे उनको आवश्यकता हुई वो ऐसे नाम देते गए और ये संख्या बढ़ती गई। मैं अभी क्या इस टॉपिक पे बहस हुई थी अभी ग्रुप में, मुझे क्या मैसेज आया था कि सर इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने उसको उस समय भी यही बोला था और अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कभी इंग्लिश वाले वर्ड पे आपको बहस नहीं करनी। ओके, उदक वे जैसे वो समझ में आया ना, कहाँ पे यूज़ क्या लेना। जैसे मैं बताऊँ, जैसे कि अब मैं बोलूँ आप, जैसे अब सेकंड ईयर में आ जाओ, आप बोलो कि सर रस यानी तो हमने रस वो फड़े मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, और आप अड़ जाओ उसी बात पे, तो आप क्या हो गए, मूर्ख ही खिलाओगे ना एक तरीके से, क्योंकि रस यानी पारद होता है। सेकंड ईयर में जहाँ जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उसके अनुसार बात करो आप, समझ रहे हो ना एक तरीके से, कि यहाँ पे इनका मीनिंग रस यानी पारद हो धातु होता है, फर्स्ट ईयर में रस यानी मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, दोनों सही है अपनी जगह, दोनों गलत नहीं है, उसकी भी अपनी महत्व है, पारद श्रेष्ठ है, उसको रस बोला गया है। ठीक है, इधर आपने मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय जो रसेंद्रिय द्वारा जिभ्य द्वारा जो स्वाद लिया था उसको भी रस बोला गया है। अब तो आप लड़ थोड़ी सकते हो, तलवारें थोड़ी चला सकते हो आपस में कि क्यों बोल दिया, ये तो हमने ऑक्यूपाइड कर रखा है, नहीं तो आप यहाँ पे तलवारें नहीं चला सकते भाई इन्होंने ये क्यों बोला, क्योंकि उसको ऐसा लगा, उसको ऐसे देखे लक्षण देखे उसने ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुता उदक वैद्वे तुरमूलम तालु क्लौम च तत्र विदस्य पिपासा सद मरणम च। तो उदक व स्रोतस दो होते हैं जिनका मूल तालु और कलम है, वहाँ विद होने पर प्यास और तुरंत मृत्यु हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर पानी मत पिलाओ आदमी को, क्योंकि एक दिन तक व्यक्ति डेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो उदक वे, तो ट्रांसपोर्ट वाटर, मतलब वाटर रेगुलेटरी एक तरीके से। अब ये भी सही है कि वाटर रेगुलेटरी सिस्टम सेंटर जो अपने माइंड में, ये भी मान लो अच्छा हो सकता है भाई, आपको पानी, बॉडी को पानी नहीं मिलेगा तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है, प्यास लगेगी, प्यास अगर उसकी पूर्ति नहीं की प्यास की तो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब विरुद्ध होने पर क्या लक्षण मिलेंगे, प्यास लगेगी और व्यक्ति तुरंत एक्सपायर हो जाएगा। अब चरक क्या बोलते हैं देखते हैं, आचार्य चरक के अनुसार उदक वाहनम स्रोतासानम तालु मूलम क्लोम च। इन्होंने भी तालु बोला है और क्लोम बोला है, सेम टू सेम डिटो, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे क्लोम का मीनिंग समझ गए, कोई कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बुक से पढ़ा रहा हूँ ताकि एक भी चीज़ ना मिस हो आपकी। ये थोड़ा ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिलेबस, मैं इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस बुक में जैसे मैं उतार था पेन से लिखता, सेम डिटो डिटो सारी चीज़ें लिखता, कई मतलब था, क्योंकि सुरक का भी लिखना था, सुश्रुत का लिखना, श्लोक भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए। तो हो गया उदक वे, अब करते हैं रस वे। ऐसा करो दोबारा से ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो क्लास डिसमिस हो जाएगी। अपन रस वे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राण वे हो गया, उदक वे हो गया और अन्न वे हो गया। अब ये धातुओं से स्टार्ट करेंगे तो एक नया वीडियो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ज्वाइन हो जाओ रस वे स्रोतस से, है ना।